गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल सोजेशन फ्रॉम दिस ईयर। एंड एस आई टोल्ड यू यस्टरडे गाइस कि मैं कल जा रहा हूँ नानी घाट घूमने के लिए। एंड एक्चुअली मैं आया भी हूँ, तो रास्ते में मुझे बहुत सारी जगह मिली। मैं रास्ते में आया तो पहले तो मुझे नारायणपुर थे इस बार, शायद आज तो भी कोई पॉलिटिशियन है हमारे जिनका विजिट वगैरह था। सारा रास्ता पूरा पुलिस से भरा हुआ था, बॉस बहुत जगह पे मुझे रोका भी। एंड मतलब कुछ डिस्टर्ब वैसे नहीं है कि रोके या कुछ ऐसा, बट देयर वाज बी समथिंग लाइक स्पेशल वीआईपी विजिटर्स, सो दे हैव द सम काइंड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद में मैं जब आया तो मैं जुन्नूर में आया था। जुन्नूर के पास मैं हमारा शिवनेरी गया था। शिवनेरी में मुझे एक्चुअली ऊपर जाना था, किले के ऊपर जहाँ पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बर्थ प्लेस है, मुझे वहाँ जाना था। मैं वहाँ तक गया था तो उसके एकदम रास्ते के ऊपर उनका मीटिंग चल रहा था बीच रोड पे। एंड उसके बाद में जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये तो अभी बंद है, तो इट्स नॉट अलाउड देयर। फिर मैं बोला चलो ठीक है आगे जाते हैं। तो फिर मैं नानीघाट की तरफ आगे बढ़ा। अभी मुझे यहाँ पे चावंडगढ़ के एक कोई किला है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, या ये जो देख रहे हो आप मेरे पीछे पहाड़ का, एक बहुत बड़ा किला है बॉस। ये किले चावंडगढ़ करके कोई जगह है इधर। अब ये किला इस पहाड़ पे उस पहाड़ पे मुझे नहीं पता है, बस मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। सो लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द किले चावंडगढ़ हाउ इट इज़। एंड आप मेरे पीछे का व्यू देखो ना बॉस, चारों तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़ है और पानी और बादल, तो आई कॉन्ट टेल यू यार हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एंड इट्स लुक वेरी अमेजिंग। आई एम वेरी इम्प्रेस यार, मतलब ऐसा हो रहा था ना, बस जा रहा था तो रुक के देखे बिना रहा ही नहीं गया। सो जस्ट आई स्टॉप माई सेल्फ एंड आई जस्ट लेट मी थिंक कि चलो एक छोटा सा वीडियो कैप्चर करते हैं आप लोगों के लिए। एंड आई एम ऑन द वे टू द किले चावंडगढ़। उसके बाद में फिर मैं नानीघाट जाने वाला हूँ। नानीघाट का मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या है, कैसा है, कितनी जो भी है, वो तो वहाँ जाने के बाद में ही पता चलेगा। सो राइट नाउ आई एम ऑन द वे टू द किले चावंडगढ़, जो भी है उसका नाम यार, सॉरी मैं बार बार ना जगह के नाम भूल जाता हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर इट एंड लेट मी गो देयर एक्सप्लोर इट हाउ इट इज़। एंड आई विल मेक द वीडियो एंड फोटो फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कमलेश, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग कमलेश, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, लाइक करना एकदम फ्री है, शेयर करना भी आपके लिए एकदम फ्री है। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो था सच काइंड ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन द वीडियोस इफ दे कांट कम आउट ऑफ द होम। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कमलेश, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, सो दिस इज कमलेश यार। एंड अभी मैं पहुंच गया हूँ किले चावंडगढ़ प्रसन्नगढ़। सो किले का नाम है चावंडगढ़ और प्रसन्नगढ़, तो मतलब इसको चावंडगढ़ भी बोलते हैं और प्रसन्नगढ़ भी बोलते हैं। इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके बारे में मुझे कभी कोई अभी तक कोई डिटेल पता नहीं है। मैं आज तक अभी गया हूँ किले चावंडगढ़ उर्फ किले प्रसन्नगढ़। सो इसी किले को चावंडगढ़ भी बोलते हैं और प्रसन्नगढ़ भी बोलते हैं। और ये जो किला है ये हमारे नानीघाट के बहुत पास में है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे बोल्डिंग होल्डिंग लगी हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही रास्ता है यहाँ से अच्छा खासा। मतलब यहाँ पे ट्रेकिंग वगैरह जो थोड़ी इजी लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किले की दीवार वगैरह बनाई हुई है। आई डोंट नो, पुराने ज़माने की तो नहीं लग रही है क्योंकि सीमेंट से बनी हुई है। एंड यहाँ से जो पत्थर वगैरह से जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, डेट मीन्स द ट्रैक इज़ गुड है, हम लोग यहाँ पर ईजिली ऊपर तक चढ़ सकते हैं। सो लेट्स गो टू द किले चावंडगढ़ एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ इट एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। एंड इसके अलावा कुछ चीज़ देखूँ तो मैं आपको यहाँ से ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे आते हो तो यहाँ पे आपको बोर्डिंग दी जाती है दोनों साइड में, सारी डिटेल वगैरह उन्होंने मेंशन की हुई है। राइट गाइस, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट। भाई साहब, रास्ता तो आप देख लो एकदम ऐसा खड़ा है, सिर्फ बीच में थोड़े थोड़े पत्थर कटे हुए हैं जिसके वजह से हमें ऊपर के चढ़ के जाना पड़ता है। थैंक गॉड के ऊपर थोड़ी ग्रिल वगैरह भी लगी हुई है, सो दैट वी कैन टेक द हेल्प ऑफ इट।
गाइस, तो यहाँ से हमारा किले चवंगड़गढ़ और प्रसंगगढ़ स्टार्ट होता है। ये मेन डोर होता है जैसे हम सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं। सीढ़ियों का जो रास्ता है बॉस वो थोड़ा डेंजर है। यहाँ से सीढ़ियाँ बस एकदम ऐसी पत्थरों की बड़ी बड़ी। हाँ गाइस, तो फाइनली हम लोग किले में पहुँच गए हैं। किले के का जो लुक है मैंने आपको बाहर से दिखाया वंस मोर। सो ये हमारा एंट्रेंस होता है, इसको हम गणेश द्वार बोलते हैं हमारे किले प्रसंगगढ़ का उर्फ चवंगड़। राइट, क्या किले का नाम क्या है? चावनगढ़। अच्छा, एक्चुअली मैं एक नाम भूल जाता हूँ यार। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है। जैसे हम आते हैं तो काफ़ी बड़ा सा दरवाज़ा है, काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर है, पूरे पत्थर का है, एक्चुअली पत्थर काट के बनाया है। एंड जो है बॉस अमेजिंग है, बट सीढ़ियाँ एकदम बड़ी बड़ी हैं। बारिश के पानी हो रहा है पूरा। सो राइट नाउ हालत में मैं तो पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ, किले पे आ गया हूँ। एंड यहाँ से कुछ ऐसा होता है हमारे किले का अंदर के साइड से लुक। एंड यहाँ से ये हमारी सीढ़ियाँ होती है जिससे हमें ऊपर चढ़ना होता है। एंड इसके बाद में हम ऊपर जाते हैं, ऊपर फिर किला चालू हो जाता है। सो लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर इट। Hi everyone. So you are with Kamlesh Kamle. मेरे चैनल का नाम कमलेश कामले YouTube पे। आप कामले में भी नहीं लगाओगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। ओके, सो आप लोग कहाँ से आए हो? हम पिंपरी चौड़ से आए हैं। ओके, हम राष्ट्रीय सेवक संघ से बिलोंग करते हैं। ओके, आरएस। ओके, एंड आप लोग प्रॉपर पूना से ही पिंपरी चेंज पड़ते हैं? ओके, आप लोग सब लोग स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हो के प्लस संग कॉलेज स्टूडेंट हो? सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और यदि आपको यहाँ पे आना है तो सिर्फ और यहाँ पे कचरा नहीं करना है आपको, बस। गुड, सो द क्लीनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आई थैंक यू सो मच गाइस। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आई थैंक यू गाइस। जैसे हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें तालाब मिलता है। तालाब के साइड में ये आपको एक व्यू मिलता है। एंड तालाब के सामने हमें ये एक मंदिर मिलता है छोटा सा, जो कि शंकर भगवान के ही मंदिर है। एंड काफ़ी पुराना है, उस ज़माने का, टूट फूट सा गया है, बट स्टिल इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा है यहाँ का, चारों तरफ का जो व्यू है आपको बहुत ज़्यादा औसम मिलता है यहाँ का व्यू। एंड लुक लाइक इट्स रियली औसम गाइस। एंड लोग पूजा पाठ करने तो आते हैं। एंड यहाँ के जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड साइड में जो लेक है ये भी बहुत ज़्यादा है, सामने से आप देख सकते हो सीढ़ियाँ वगैरह वहाँ से नीचे आके। एंड यहाँ से भी सीढ़ियाँ थी जो कि अभी थोड़ी ख़राब हो गई हैं, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल वॉस। ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द कमलेश। एंड सो हमारे किले के ऊपर सेकंड पॉइंट जो मुझे मिला है ये एक बहुत बड़ा सा तालाब है। वैसे तो इस किले के ऊपर जब से मैं किले के अंदर चढ़ाऊँ तो मुझे एक दो तीन तालाब ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट ये वाला जो तालाब है बॉस ये सबसे बड़ा है एंड सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इट्स लुकिंग वेरी ऑसम यार। आप यहाँ से देखो उसके इतने सारे पार्ट है, आई डोंट नो कि इतने सारे पार्ट अलग अलग क्यों हैं, कैसे हैं। एंड वहाँ तक जाने के लिए आपको अगर देखो तो यहाँ से सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। सीढ़ियों से हम यहाँ ये जो आप मेरे नीचे देख सकते हो, यहाँ से सीढ़ियों से हम लोग नीचे तक जा सकते हैं एंड पानी के नीचे तक जाते हैं। एंड उसके बाद में भी आगे कुछ रास्ता वगैरह है वहाँ से कि, तो मुझे नहीं पता वहाँ कैसे जाते हैं क्या करते हैं। एंड यहाँ की जो चीज़ें हैं ना बहुत औसम है यार, बहुत अमेजिंग लग रहा है यहाँ से। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं, इस तरह से वॉक करना चाहिए या नहीं, थोड़ा रिस्की तो है। थैंक गॉड के पत्थर वगैरह यहाँ के जो है स्लीपी नहीं है। तो आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग है। एंड आई डोंट नो कि रीजन क्या है यहाँ पे, ये तालाब कैसा है, क्यों बना है, हिस्ट्री वगैरह तो नहीं पता है। बस देखने में जो मुझे दिख रहा है बस मैं आपको कैमरे में रिकॉर्ड करके वही दिखा रहा हूँ बस। सो विद अ ह्यूज वाटर, इसको तालाब बोल सकते हैं। एंड आई डोंट नो कि ये पुराने ज़माने में रहने के लिए घर वगैरह थे या क्या था, तो अभी पानी भर गया या पहले से तालाब है, वो सब मुझे नहीं पता है बस। बट ये एक स्पॉट है यहाँ पर किले के ऊपर जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग से लग रहा है। एंड इट्स लाइक ओसम यार, बट टू से
एंड Alright guys, so this is the one point we have seen here and yes, spot ke paas hame, we have the one tree, it is looking very nice and second spot we have here, ye ek jagah hai, ye talao humne dekh liya hai, talao ke paas mein sab kuch acha hai and is talao ki achhi baat hai ki yahan par na awaaz echo ho rahi hai, chalo ek baar main echo karke dekhta hoon. Do you hear it? Sahi diya aapko? Meri awaaz mujhe echo ho rahi hai, not that much but hai yahan, hoon! Aa rahi hai awaaz. Hey Kamlesh! Woo! 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 ये जो देख रहे हो बस व्यू है ना बहुत ऑसम है. ऑलराइट गाइस, सो मैं अभी हमारे जो गणेश द्वार था उससे मैं अंदर घुसा था, फिर मैं लेफ्ट साइड मार्केट में अंदर आया था, उधर मुझे तालाब मिला, तालाब के पास मैंने देखा एंड उसके आगे एक रास्ता और नीचे की तरफ जा रहा था, तो मैंने सुना था कि इधर गुफा है, तो मुझे नहीं पता कि ये रास्ता नीचे जाता है या गुफा की तरफ जाता है. ओह माय गॉड, इट्स रियली और रियली इज इट. यहाँ पर गुफा वगैरह है कहते हैं, यहाँ यू कैन सी हियर, तो ये गुफा वगैरह बनी हुई है. आई डोंट नो कि इस गुफा के अंदर क्या है कैसा है, बट awesome यार, सो ह्यूज. तो ये शायद रहने के लिए उन्होंने बनाई होगी उस ज़माने में एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. आवाज़ पूरा एको हो रहा है एंड ये रही सेकेंड वन एंड थर्ड वन. द स्ट्रक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इतने पुराने हैं अभी यहाँ से, ऐसे शायद उस ज़माने में इसे डोर हुआ करते थे, यह दरवाज़ा हुआ करता होगा, यहाँ से अंदर जाते होंगे एंड इसके अलावा यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी है, तो आई डोंट नो कि हाउ दे वेयर ऑपरेटिंग दीज आर, बट ये गुफा है जो बस. मैं भी गुफा के अंदर आ गया हूँ, गुफा के अंदर घुसा हूँ एंड आवाज़ पूरे एक हो रहा है. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग. सो ये सारी यहाँ की गुफाएं वगैरह है जो हमने देख ली है. अभी हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, तो रास्ता अच्छा है, पत्थरों का है, कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, साइड में ग्रिल लगी है, इसलिए आप आ सकते हो यहाँ पर, नॉट डिफ़िकल्ट टू बी रीच हियर एंड यहाँ का व्यू कुछ ऐसा होता है बस. राइट गाइस, तो यहाँ से हम मंदिर के पास आते हैं, जैसे मंदिर के तो किले के सबसे ऊपर में ये मंदिर है एंड द टेम्पल इज़ वेरी ओल्ड. मंदिर सबसे ज़्यादा पुराना है एंड ये है चंबाड़ा देवी मंदिर एंड इसी मंदिर देवी जी के नाम पे ये मंदिर भी है. सो ये मंदिर के जैसे आप सामने दिखते हो ये है एंड दिस इज़ द ह्यूज टेम्पल बॉस, आप देख सकते हो. तो ये है हमारे चंबाड़ा देवी का टेम्पल जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अंदर एक देवी की मूर्ति जी रही, देवी जी की मूर्ति रखी हुई है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है. सो जय हो देवी माता, गलती सलती माफ़ी, बस आपके दरबार तक आए हैं. तो यहाँ ये देवी जी की मूर्ति है, सामने त्रिशूल है, त्रिशूल में लोगों ने चूड़ियाँ वगैरह टांग के रखी है शायद देवी जी के लिए एंड ऊपर घंटी लगी हुई है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टेम्पल बॉस. सो मंदिर के चारों तरफ का बस यही सादा सिंपल सा व्यू है, पुराने पत्थरों की छोटी सी बाउंड्री है एंड बाउंड्री के साइड में आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा, मैं आपको इसे दिखाता हूँ. तो यहाँ से ये चारों तरफ से आपको ऐसे व्यू मिलेगा जो आप राउंड पूरा मार सकते हो मंदिर के, से यहाँ से बाहर निकल के हर एक चीज़ के बीच में जो एक झंडा लगा हुआ है एंड
एक और ये पता नहीं झंडे के लिए है, तीसरा ये भी झंडे के लिए है, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई इट इज़। तीसरा ये एक पिलर है देवी जी का, सामने मंदिर का बोर्ड लगा है। सो ये है भाई हमारे चावंडा देवी जी के मंदिर के से सबसे ऊपर से, जो किले का सबसे ऊपर का हिस्सा है, वहाँ का व्यू है ये। बट गाइस सो मेरा किला घूमना तो हो गया, अभी नीचे जा रहा हूँ। यार बारिश आ गई थी, पूरा किला हो गया। रेनकोट तो अभी पहना है, हल्की फुल्की भी आ रही, ज़्यादा जोर से भी आए तो बात हो रही है। रास्ता तो भाई साहब आप ये देख लो, मेरे नीचे एकदम खड़ा रास्ता, नीचे तक दिख रहा है आपको पूरा रास्ता। ये पूरा रास्ता निकल के मुझे वहाँ जाना है, वो जो नीचे एक छतरी टाइप की दिख रही है वहाँ जाके एंड करते हैं रास्ता। एंड इस द ट्रैक इज़ वेरी गुड, हमारे पास में स्टेप्स वगैरह बने हुए हैं, स्टेप्स से हम इजली चल सकते हैं, ग्रीन बनी हुई है रास्ते में। बट इट्स रियली ऑसम यार, लुकिंग बहुत ब्यूटीफुल। हाँ गाइस चलो नीचे जाते हैं, फिर नीचे चल के बात करते हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, सो अगेन दिस इज़ कमलेश हियर। तो फाइनली मैंने किले चंबलगढ़ पूरा एक्सप्लोर कर लिया है एंड इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। किले के ऊपर ज़्यादा कुछ तो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, बट किले के ऊपर का जो मेरा भी ओवरव्यू रहा है कि किले के ऊपर आप जैसे एंट्रेंस करते हो तो एंट्रेंस गेट जो है बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज था। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो पहाड़ देख रहे हो आपको, ये पूरा पहाड़ चलना है। ट्रैक काफ़ी अच्छा है, सारे स्टेप्स बने हुए पत्थर के, आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊपर जाके जहाँ पर एकदम खड़ी चढ़ाई आती है वहाँ पर ग्रिल वगैरह लगे हुए हैं, जिसकी हेल्प लेके हम इजीली ऊपर चढ़ सकते हैं। और जैसे ही पहाड़ ख़त्म होता है वहाँ पर एकदम मेन एंट्रेंस होता है, जिसका नाम गणेश दरवाज़ा बोलते हैं, गणेश द्वार भी बोलते हैं उसको। एंड उस द्वार बहुत बड़ा सा है एंड अच्छा ब्यूटीफुल था, उसका लुक बहुत अच्छा है। उसके वहाँ थोड़े ऊपर चढ़ते तो ऊपर एक तोप बन रखी हुई है छोटी सी, जिसका व्यू भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर आप अच्छा खासा फोटोशूट वगैरह कर सकते हो। एंड उसके बाद में आपको तोप के पास से आपको राइट लेके ही आगे जाना है। आगे आप जाओगे तो आपको बाड़े का एंट्रेंस मिलेगा, वहाँ पर बोर्ड लगा होगा बाड़ा, आपको उस बोर्ड से आगे जाना है। वहाँ से आपको अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा हॉल जैसा मिलेगा। तो अभी एक ज़माने में शायद वो बाड़ा हुआ करता होगा, इस समय तो पूरा खंडहर पूरे जंगल की तरह हो गया है। एंड बाड़े के बाद में आप अगर थोड़ा आगे जाते हो तो वहाँ से आपको सबसे टॉप में ऊपर देवी का मंदिर मिलता है, जहाँ आप जाके देवी के दर्शन कर सकते हो। एंड मंदिर में भगवान देवी जी की पुरानी सी मूर्ति है, एक दो चार घंटियाँ लगी है। सामने देवी जी का जो मंदिर का बोर्ड है वो लगा है, एक झंडे का लगा है, एंड ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इट्स वेरी ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद में इफ़ यू आर कमिंग बैक टू दैट वे, देन उसके बाद में आप बाड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओगे तो आगे आपको दो छोटे छोटे पानी के तलाव देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप आगे जाके आपको एक लेफ्ट राइट मारना है, लेफ्ट मारोगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा पानी का तालाब मिलेगा, जो कि आपको मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया ही, दैट वाज वेरी ऑसम। उसके आप थोड़े से नीचे जाओगे तो वहाँ पर गुफा वगैरह है, एंड दैट गिव यू द ऑसम व्यू वॉस। एंड साइड से जो डैम का व्यू होता है ना, इट्स रियली ऑसम। सो कंपल्सरी आई सजेस्ट कि अगर आप आ रहे हो तो आप कोई भी सीजन में यहाँ आ सकते हो, ईजिली आ सकते हो। ट्रैकिंग बहुत ईजी है, ज़्यादा ट्रैक नहीं है। हाँ यहाँ पर शॉप वगैरह थोड़ी लिमिटेड है। एंड दूसरी चीज़, आप मेन रोड से कभी भी आ रहे हो तो आपकी गाड़ी वगैरह मेन रोड में दुकान है, वो लोग बोलेंगे कि आप इधर ही गाड़ी पार्क कर दो। बट आप थोड़ा सा अंदर तक जहाँ से स्टेप्स वगैरह होते हैं, आप जैसे मेरे पीछे एंट्रेंस देख रहे हो उस एंट्रेंस के एकदम पास तक है, आप गाड़ी वगैरह लेके आ सकते हो। यहाँ पर पार्किंग का थोड़ा स्पेस है, आप यहाँ गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो। रेनी सीजन में थोड़ा स्लीपी होगा, बट अदर टाइम्स यू कैन कम वेरी इजली। ऑल गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कमलेश, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।